हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अविनाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वॉ गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, एक बहुत ही नए प्लांट्स के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन्फॉर्मेशन। पर उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे जो गार्डनिंग के लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वीडियोस के आपको सबसे पहले मिल जाएं। बेल आइकन को आप दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन से ही आपको मेरे जो वीडियोस हैं उसके जो अपडेट्स हैं मैं लेटेस्ट डालता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो बहुत सुंदर सा दिख रहा होगा आपको, पॉट जैसा लगा हुआ है, बहुत सुंदर सा प्लांट, आज मैं आपको इसी के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत डिफरेंट दिखने वाला प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा अलग तरीके का ये प्लांट इसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी अजीब टाइप का इसकी ग्रोथ होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है अनदर प्लांट्स के। आप कंपेयर करेंगे उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आप शायद मेरे ख्याल से अभी आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा प्लांट है। चलिए, अगर आप नहीं समझे मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कौन सा प्लांट बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ तो इसे डेवल बैकबोन कहेंगे, आप नर्सरी में तो मिल जाते हैं इजली, पर इसे पेडिलेंथस भी कहते हैं और इसका एक और नाम होता है जिगजैग। जिगजैग प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, अगर कोई और भी इसका नाम आप जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताइए। वैसे ये तीन नामों जो मैंने आपको बताया, ये तीन नामों से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे तीनों नामों से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ इसके स्टार्टिंग पे ही, जो आप ये प्लांट देख रहे हैं अगर आपके आसपास कहीं लगा हो तो आप उसे बिल्कुल भी किसी मौसम में भी ला के आप इसे लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही ईजीली तरीके से ग्रोथ हो जाती है, आप चाहे इसकी बड़ी सी कटिंग लाएँ छोटी सी लाएँ, आप वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, वो आपकी ईजीली ग्रोथ हो जाएगी। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे छोटे से पॉट में लगा है। देखिए मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, मैंने ये प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पॉट्स आते हैं मैंने उस पर इसमें लगाया है और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। मैंने इसे लगा दिया था इस पर और ये धीमे धीमे कितना प्यारा ऊपर तक ग्रोथ कर रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। मैं इसके लिए टाइम टाइम पर थोड़ा सा क्या है प्रूनिंग भी करता रहता हूँ, इस कारण से ये थोड़ा बुश नहीं बन पाता है। और ज़्यादा अगर मैं इसे बुश बनाना चाहूँ तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, पर स्पेस ना होने के कारण मैं इसका ऐसा करता हूँ। अच्छा, अगर आप इसे ध्यान से देखें दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी ग्रोथ है, देखिए आप ये वाला पीछे देख पा रहे हैं इसे, ये चीज़ देखिए कितना आप ये टेढ़ा मेढ़ा ग्रोथ कर रहा है, ऐसे ज़िगज़ैग इसे शायद इसीलिए बोलते हैं, या डेवल बैकबोन जैसे बोलते हैं ना, भूतिया हड्डी जिसको बोलते हैं, भूतोती टेढ़ी मेढ़ी ग्रोथ होती है। तो मैंने तो कभी देखा नहीं है पर लोग ऐसा बोलते हैं। तो देखिए ऐसे ग्रोथ करता है इसलिए शायद इसे डेवल बैकबोन भी कहते हैं। तो इसकी यही खासियत है कि ये सीधा ना ग्रोथ हो करके बिल्कुल ज़िगज़ैगली ग्रोथ करता है और जो देखने में काफ़ी प्यारा लगता है, तो इसीलिए डेवल बैकबोन भी कहा जाता है। अभी देखिए इसकी लीव्स को देखते हैं, अपन लीव्स की बात करते हैं तो इसकी जो लीव्स में आप देखेंगे ना, वेरिएशन आपको दिखेगा इसमें, वाइट ग्रीन येलो टाइप का थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा, जैसा वो मनी प्लांट आता है एक, जो मार्बल मनी प्लांट इसको बोलते हैं, मार्बल क्वीन मनी प्लांट, वो लगभग ऐसे ही दिखता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला प्लांट है पर ये वो नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका वेरिगेशन बहुत अच्छा होता है, वेरिगेटेड बोलते हैं। अच्छा, वेरिगेशन पूछते हैं लोग क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वेरिगेशन वो होता है जो एक प्लांट या एक लीव्स पे दो से तीन कलर के उसमें कलर्स हों, कलर्स का कॉम्बिनेशन को ही आप लोग वेरिगेशन बोलते हैं, वेरिगेटेड बोलते हैं उसे लीव्स। तो जो नॉर्मल लीव्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो वेरिगेशन आप देख पा रहे होंगे ये देखने में काफ़ी प्यारी लगती हैं। अगर ख़ास करके जो सो प्लांट्स होते हैं ना, वो तो देखने में हमेशा ग्रीनरी बना कर रखते हैं, तो इनमें अगर फ्लावरिंग नहीं भी आती और ऐसा वेरिगेशन रहता है तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो देखिए इस प्लांट को अगर आप थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट इसे प्रोवाइड कराएंगे, वैसे इसे गर्म क्लाइमेट, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इसे गर्म मॉइस्चर जो होता है ना, मॉइस्चर वाला भी इसे मौसम बहुत पसंद होता है, थोड़ा सा गर्म मौसम भी बहुत पसंद होता है। जैसे मॉइस्चर कैसे, अभी जैसे बरसात होती गई तो उसमें क्या होता है, इसे थोड़ा सा नमी के कारण ही अच्छी ग्रोथ करता है,
और ग्रोथ करने के बाद जो थोड़ा सा लैकीपन रहता है ना, वो गर्मी जो आती है थोड़ा सा, जब वार्म मौसम रहता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा सा टाइटनेस होता है, थोड़ा सा थिक होती है इसकी जो ब्रांचेस होती है, उस टाइम थोड़ा सा थिक होना चालू होती है बरसात के बाद, तो वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो थोड़ा इसे वार्म जो टेम्परेचर होता है वो अच्छा लगता है, थोड़ा गर्मी में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है, क्योंकि ठंड इसे बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ठंड में क्या होता है, उस टाइम इसकी जो लीव्स होती है ना डिफोलिएटेड होने लगती हैं, गिरने लगती हैं, जो इसकी लीव्स होती है वही तो मेन ब्यूटी होती है इसकी, तो इसे थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर अच्छा लगता है। ये ठंड में थोड़ा सा अपनी ग्रोथ रोक देता है, पर कोई बात नहीं, जैसे ठंड ख़त्म होती है और जब ठंड ख़त्म होने लगेगी, जब गर्मी का मौसम फिर से स्टार्ट होगा, तो फिर से ये अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और मैंने एक चीज़ इसमें और नोटिस की है, अभी देखिए आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, विंटर के पहले ही ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो आप इसे ऐसी केयर कर सकें। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि जो इसकी लीव्स मैंने आपको वेरिकेशन बताया ना, फिर दो वेरिकेशन होते हैं, बट ठंड के टाइम में ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करती है, थोड़ा सा और रेडिश टाइप की होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिख पा रही होगा, ये लीव्स को देखिए, हल्का सा ये थोड़ा रेडपन दे रहा है कि वो लीव्स लगी हुई आगे, इस लीव्स की बात करूँ तो ये थोड़ा सा रेडिश होने लगती है, तो देखने लगती है तो वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, ठंड के टाइम में इसकी जो लीव्स होती है ना वो डिफोलिएटेड हो जाती है, पूरी तरह से गिर जाती हैं, तो भी इसकी जो ब्यूटी होती है इस प्लांट की वो बिल्कुल कम नहीं होती, अपनी ब्यूटी बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। आप कई बार देखते होंगे मार्केट पे जो आर्टिफिशियली मिलते हैं ऐसे स्टिक्स वाले लगाने के लिए अपने पॉट्स पे, ये बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल गिर जाती हैं, और जो इसकी ब्रांचेस आप देख रहे हैं ना ये बिल्कुल ऐसे स्टैंड रहती हैं, खड़ी खड़ी रहती हैं, जैसे बिल्कुल स्टिक्स लंबी लंबी किसी ने खोद दी हो, ऐसे देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो एक नया ही लुक देती है इसमें, जब लीव नहीं रहती हैं वो नया लुक इसमें प्रोवाइड कराती है, वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ठंड के टाइम में अगर आप इसे थोड़ा सा केयर करें तो आप इसकी जो लीव्स है आपकी ग्रोथ देख रहे हैं आप इसे थोड़ा बचा भी सकते हैं, आप इसे अगर ऐसी जगह पर रखे जाएँ जो थोड़ा सनलाइट प्रोवाइड अच्छी हो रही होगी, तो ठंड पे तो इसकी लीव गिरेगी गिरेगी, पर कुछ समय बाद ये कुछ स्टेबल कर सकता है लीव्स को, कुछ समय बाद गिराएगा तो आपके पास कुछ टाइम तक की इसकी लीव्स बनी रहेंगी। देखिए आप अगर थोड़ा से रूम टेम्परेचर में ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपका एरिएशन बना हो रूम में, इंडोर्स भी आप इसे रख सकते हैं, पर थोड़ा सा ब्राइट लाइट आए और फिल्टर्ड सनलाइट भी अगर इसे मिलती रहे अंदर, अगर आप इंडोर रखते हो सिर्फ लीव्स बचाने के लिए, आपको बता रहा हूँ ठंड पे, तो आप उस टाइम इसे रखेंगे तो आपकी हो सकता है लीव्स इसकी बच जाए, और अगर ना गिरे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए घबराइए नहीं, अगर जब कई बार क्या होता है बिगनर जो होते हैं इनकी लीव जब डिफोलिएटेड हो जाती है तो वो क्या सोचते हैं कि हमारा प्लांट डाई हो रहा है, क्या होता है उसका ये जो डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, तो डॉर्मेंट पीरियड जब इसका चालू होता है ठंड पे, तो ये अपनी पूरी जो लीव होता है उसे गिरा देता है, जिससे एनर्जी इसकी ज़्यादा वेस्ट ना हो, लॉस ना हो, इस कारण से ये ठंड पे डॉर्मेंट पे जाता है, और उसके बाद जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है ये फिर से अपनी न्यू ग्रोथ चालू कर देता है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, इसे रखे रहें अपने प्लांट्स को, तो ये फिर से वैसे अपनी ग्रोथ चालू हो जाता है। मैंने वैसे आपको इसको अपनी जो पुरानी प्लांटर्स वाली दिखाई थी वीडियोस, मैंने अपने घर पे पॉटर प्लांटर्स वगैरह बनाए हैं, मैंने उस पर भी दिखाया था, ऐसी मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी, तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी कटिंग जो है ग्रो हो गई है। मैंने नीचे भी देखिए इसमें कटिंग्स कुछ लगाई हैं, वो कटिंग देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने सभी कटिंग से ही ग्रो किया है, तो मैंने इसी कटिंग जो ज़्यादा ऊपर तक आ जाती है मैं वही कटिंग इसकी नीचे लगा देता हूँ, तो फिर वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लगती है। तो बस बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप इसे कहीं ऐसी जगह पे ना रख दें कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया, डेड हो गया है, तो अब ये ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं ये ग्रोथ करेगा, पर थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर इसे ज़्यादा पसंद आता है। अब देखिए आप गर्मियों में इसे डायरेक्ट सनलाइट पर रख सकते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर अच्छा लगता है, बट ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगे तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट पर ना रखकर थोड़ा अगर आपके पास ग्रीन नेट हो या कोई ऐसी शेड की जगह हो जहाँ पे कुछ टाइम के लिए धूप आती है तो आप वहाँ पे इसे रख देंगे तो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, क्योंकि हर प्लांट की वेंट अलग अलग केयर होती है, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक ही गलती होती है कि प्लांट्स को डाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको पूरी डीपली वीडियोस बनाता हूँ। आई नो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बट मैं आपको यही सोचता हूँ कि आपके कोई भी प्लांट्स ख़राब नहीं हो, तो आपको अच्छी तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आपको वाटरिंग की बात करूँ तो आप इसे ठंड
पे पानी जब दें, जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई लगे, फुली ड्राई लगने लगे, आप तभी इसको पानी देंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ करेगा। क्योंकि क्या होता है, ठंड पे क्या जो जो मॉइस्चर है ना वो मेंटेन रहती है, उसकी जो मॉइस्चर लॉक कर लेता है प्लांट, क्योंकि वो ठंड के टाइम में क्या होता है उसे इतना वार्मनेस का मिल नहीं पाता, और गर्मी के कारण ही थोड़ा सा वो वेपोरेट होता है पानी। उस कारण से आप ध्यान रखिए कि आप इसे ठंड पे कुछ दिन के गैप पे ही पानी दें। मेरी राय में आप मानिए कि इसे आप एक दो दिन का भी गैप दे सकते हैं, बट अगर हाँ आपका ऐसी जगह में प्लांट रखना है कि आपकी जो सरफेस है मिट्टी की टॉप सरफेस अगर वो ड्राई लग रही हो तो आप इसे पानी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी आपका ड्राई नहीं हो रहा है, मिट्टी पे मॉइस्चर मेंटेन है एकदम, बहुत सॉगी सी मिट्टी लग रही है, तो आप उस टाइम बिल्कुल इग्नोर करें, बिल्कुल स्किप कर दीजिए, पानी बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उससे आपका प्लांट खराब हो सकता है। और उसी के जस्ट अपोजिट जैसे आप गर्मी में इसे लगा हुआ है, क्योंकि इसका गर्मी का ग्रोइंग पीरियड होता है, तो अगर आप इसे गर्मी के मौसम पे अगर आप इसे ग्रो कर रहे हैं ना, तो आप गर्मी में इस पर ध्यान रखिए कि गर्मी में इससे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ठंड पे। तो आप गर्मियों में इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 बार भी पानी दे सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो देखिए, जब आप इस प्लांट को लगाने लग जाएँ तो आप इसमें थोड़ा सा सैंड ऐड कर लीजिए। अब सैंड जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि जो आप लोग को कंस्ट्रक्शन वाली यूज़ करते हैं वो मिल जाए, उसके साथ साथ जब आप देखे होंगे जब अपने यहाँ काम लगता है किसी भी कंस्ट्रक्शन, जब घर बनते हैं कुछ भी अपन काम कराते हैं सीमेंट का, तो उसमें जो बजरी यूज़ की जाती है उसको जो आप छानते हैं अपन, उसमें उसी के जो बड़े बड़े स्टोन निकलते हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, जो उसके बेबी स्टोन रहते हैं छोटे साइज़ के, वो भी आप इसमें थोड़ा सा रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको नीचे अपना कैमरा जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, मैंने वैसे ही इसमें थोड़ा सा यूज़ किया, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये साइड पे मैंने इसमें बड़े वाले जो मिट्टी के साथ में जो मैंने सैंड यूज़ की है, मैंने सैंड के साथ साथ जो बड़े वाले इसमें पत्थर हैं वो भी रहने दिए हैं। तो आप इसमें दोनों तरह के रखे रहने दीजिए, उसमें ऐड करके दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसका ड्रेनेज अच्छा बना रहेगा उससे, क्योंकि इसे दोनों तरह की चीज़ों की जरूरत होती है, थोड़ा सा एरिएशन भी इसे पसंद है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी मेंटेन पसंद है। तो सैंड क्या होगा, उससे इसका ड्रेनेज मेंटेन करके रखेंगे, और जो बड़े वाले टुकड़े हैं स्टोन्स के वो इनमें थोड़ा सा एरिएशन बना के रखेंगे। तो आप दोनों तरह के जब सैंड आप डालें तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ग्रोथ करें। अब देखिए आपको गुड़ाई भी करना, मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप एरिएशन अच्छे ग्रोथ के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ाई भी करते रहें तो अच्छा रिजल्ट देगा, और हर प्लांट के लिए गुड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे क्या उसकी एरिएशन मिल जाती है उसे, तो एरिएशन के कारण से थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलती है उससे, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो आप तो हमेशा हर प्लांट पर गुड़ाई भी करते रहें टाइम टाइम पर, हफ्ते के बीच में या 15 दिन में 10 दिन में, तो अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा, आप इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें। और देखिए ये एक बात और है कि आप जब इसे लगाएं तो बिल्कुल जो चिकनी मिट्टी होती है, कहीं कहीं चिकनी मिट्टी मिलती है जो बिल्कुल बहुत टाइट सी होती है, जो रेड मिट्टी होती है, रेड सॉइल होती है, उस पर ना लगाएं, उसमें क्या होता है ये ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि और अगर आपके पास है ही है तो उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा उसे ड्राई करके फिर थोड़ा सैंड ऐड कीजिए फिर लगाइए, तो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। देखिए अब वीडियोस की मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात, मैं आप इसकी प्रोपगेशन बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के, जो इसकी कटिंग्स के थ्रू ना ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसे बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता है, आपने लगाया है कि और इसकी हफ्ते भर के अंदर इसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ होने लगती है, हल्की फुल्की रूट्स नहीं कहिए तो 10-15 दिन में इसकी रूट्स भी बनने लगती है। मैंने देखा है, मैंने जब भी इसे लगाया है तो कभी भी ये प्लांट डाई हुआ ही नहीं है, मैंने जहाँ भी इसे लगा दिया है ये इजली ग्रोथ होने लगा है, क्योंकि ये कटिंग्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है। तो आप इसे बिल्कुल कटिंग से लगाइए, पर एक बात और ध्यान रखिए, जब आप इसे कट करेंगे ना तो इसमें आपको पता चलेगा कि अंदर से एक मिल्की सा लिक्विड निकलता है, वो आप बिल्कुल उससे बच के रहिए, क्योंकि थोड़ा पॉइजन हो सकता है, कई बार लोगों को क्या होता है वो रैशेस कर देता है, तो आँख या मुँह पे आप उसे लगने से बचाइए, उससे क्या होगा कि रैशेस हो सकती है, उससे काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, तो इसे आप बिल्कुल जेंटली और केयरफुली लगाइए तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी ईजिली कटिंग्स भी ग्रो हो जाए। अब देखिए इसकी मार्केट पे नर्सरी पे 2-3 तरह की वैरायटीज आती हैं, देखिए आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, आपकी हल्का सा ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है ना प्लांट, ये वाला ये जो आप देख पा रहे हैं, इसकी थोड़ा सा लीव्स बड़ी भी होती हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, पर ये इसी की फैमिली का है, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रोथ करता है, मैंने इसे भी बिल्कुल
ऐसे ही ग्रोथ किया था, डायरेक्ट मैंने इसकी कटिंग लाई और इस पर लगा दिया है, तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगा है। आप भी बिल्कुल इसी तरह लगाइए और ये ग्रोथ हो जाएगा। या आपकी इसको और भी कोई दूसरी वैरायटी मिल जाती है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, कोई इतना इश्यू की बात नहीं है। पर जब तक आपका फ्रेंड्स छोटा है प्लांट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप छोटे से पॉट पर भी लगाएंगे तो अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मैं आप बात कर लेता हूँ इसकी फर्टिलाइजेशन की। तो देखिए जब आप इसे बना रहे हैं उसी टाइम आप अगर आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ करेंगे, इसकी सॉइल पे ऐड कर देंगे तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहता है। बहुत ज़्यादा इसे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इसे केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि केमिकल इसलिए मैंने बोला क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स पे केमिकली फर्टिलाइज़र यूज़ करता रहता हूँ, जो जो फ्लावरिंग वाले होते हैं, जो जिसमें फ्रूट्स वगैरह आते हैं, मैं उसमें बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। तो अगर आप डाल रहे हैं तो उस टाइम भी आप थोड़ा सा अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स में डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये ग्रोथ करेगा। और नहीं भी आप डाल पा रहे हैं, आप यहाँ लगा है, तो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, इसे ज़्यादा कोई फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें अगर आपको कभी पेस्ट देखने को मिल जाए, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ जब से मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ है तब से अभी तक मेरे इस प्लांट पे पेस्ट का अटैक बिल्कुल नहीं हुआ है। पर अगर आपके प्लांट पे पेस्ट का अटैक हो रहा है तो आपको जो मैंने नीम का पेस्टिसाइड स्प्रे बनाना बताया था ऐड में, वो वाली वीडियोस में आप जाके देखिए, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा तो आप डायरेक्टली वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और मैं इधर आई बटन पे भी ऊपर लिंक दे दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको ऊपर दिख जाएगा, आप उधर डायरेक्टली भी जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप उसे भी इसके दो दिन के बीच पे से अल्टरनेटिव डेज पे डाल सकते हैं, तो उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, पेस्ट भी नहीं लगेंगे और ये अच्छी तरीके से भूस बनता जाएगा और अच्छी तरीके से ग्रोथ करता जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी बस वीडियो यही थी आपके साथ इस डेवल बैकबोन एपिडिलेंथस की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल वाव गार्डनिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फ्रेंड्स एंड गुड बाय।